हमने आदेश किया कि प्रधानमंत्री जी सरकार केंद्र सरकार इसको कानून बनाए 6 महीने के अंदर, और 23 नवंबर को जब ये कमेटी तैयार हुई है तो इस कमेटी में हमारी मांग है कि ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड के हम लोगों को शामिल किया जाए उसमें, हमारे एडवोकेट को शामिल किया जाए, हमारे इस्लामिक स्कॉलर को शामिल किया जाए, क्यों उन सबको भी शामिल किया जाए, उनसे भी राय ली जाए, और कानून बनना चाहिए कि मुस्लिम मैरिज एक्ट आएगा तभी ये कानून का डर रहेगा और तलाक पर फिर धारा तय होगी। आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी तलाक हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी थाने चौकी में ये धारा नहीं नोट हो रही है कि हम ये तलाक की धारा को किस धारा में दर्ज कराया जाए। तो इसलिए सजा का प्रावधान होना बहुत ज़रूरी है, और इस्लाम की तारीख में और इस्लाम में तलाक के गलत इस्तेमाल का सजा थी और कोड़े की सजा थी। आज हमारी मांग है जो पूरे दुनिया में कई इस्लामिक कंट्री में तलाक को बैन किया गया इस तरह एक ही सांस में, तो उसको भी रोकने के बाद काउंसलिंग के बाद तलाक हसन और तलाक के हसन को राइज किया जाए, और जो तलाक का पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है उसको सजा दी जा रही, उसके चल और अचल संपत्ति परिवार को और उसके बच्चे को दी जाए। दूसरों की ज़मीन पर तलाकशुदा औरतें, बुजुर्ग महिलाएं, बेवाएं और अनाथ बुजुर्गों और बच्चों को उस पर शेल्टर हो खोला जाए, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की स्कीम है कि गरीबी आवास में जो मकान मिलते हैं गरीबों को, उसी तरह से हम ज़मीन सरकार को प्रोवाइड कर रहे हैं, वफ की ज़मीन हम दे रहे हैं, और माइनॉरिटी कमीशन माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट जो बजट लाता है उस बजट से हमारे वो शेल्टर होम तैयार करें और उस वफ की ज़मीनों पर कारखाने खोले जाएँ छोटे छोटे, जो महिलाओं के लिए सरकार योजनाएँ बनाती, जनधन योजना, स्टैंडअप स्टार्टअप और कौशल विकास योजना, बहुत सारी ऐसी योजनाएँ हैं जो महिलाओं पुरुषों को रोजगार देती है, उस पर उस ज़मीन पर कारखाने खोले जाएँ। दूसरे वहाँ पर IT खोला जाए, ट्रेनिंग सेंटर खोले जाए, मदारिस के बच्चों को भी उसमें ट्रेनिंग दिया जाए, ताकि मदारिस के बच्चे सिर्फ मस्जिद के इमाम ना रह जाएँ, वो एक डॉक्टर इंजीनियर भी बने। इसी तरह हमारी देश में जो 22% मुस्लिम आबादी है, उस मुस्लिम आबादी के हिसाब से वो शिक्षित हो और रोज़गार हो और उनको भी सहारा मिले, उनको घर मकान रोजी रोटी और शिक्षा मिले। तीसरा वफ वो धन्यवाद देते हैं कि वो महिलाएं जो तलाकशुदा थी या बेवा थी, उनका महरम कोई नहीं था और वो हज जाने से महरूम होती थी, वो हज पर जाने से महरूम हो गई थी, उनको महरम और ना महरम की वजह से वो हज पे नहीं जाती थी। कई औरतें ऐसी आईं, उन्हीं ने कहा मुझे 3 महीने के लिए मुझे निकाह करा दीजिए ताकि मेरा कोई भी नहीं महरम है, मैं जाके हज कराऊँ। अब ये उनको हज के लिए जाने का मौका मिला है, तो मैं चाहती हूँ कि खादिमुल हज्जाज जो पुरुष जात बनाए जाते थे, औरतें भी खादिमुल हज्जाज बनाई जाए, और वो खादिमुल हज्जाज 35 से 40 वर्ष के बीच की हों, जिसमें मिडवाइफ भी हों और उनको पढ़ी लिखी हों, ट्रेनिंग हो, ताकि वो अगर किसी को शुगर हो जाए, चाहे वो गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे कुरान शरीफ हो, उसको सिर्फ रटा के पढ़ाए ना, बल्कि वो क्या कह रहा है, अल्लाह ताला कुरान में क्या कह रहा है, गीता में क्या हो रहा है, उसको भी तर्जुमे से पढ़ाए, ताकि समाज का भला हो, देश का भला हो, राष्ट्र प्रेम की जागरूकता पैदा हो, और बहुत सारे ऐसे हमारे समाज में जो हमारी महिलाएं कर सकती हैं वो पुरुष इतनी मेहनत नहीं कर पाए। सर से भी मैं इसको मैं विरोध करती हूँ और विरोध दर्ज करती हूँ। मेरे जो महिलाएं आई हैं, जो हमारे भाई आए हैं, उन सबकी ओर से और ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से मैं एक विरोध दर्ज करा रही हूँ कि जब सऊदी में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जाते हैं तो वहाँ पे बुरखा पोश औरतों के साथ वो सेल्फी खिंचाने में उनको कोई असुरक्षा की भावना नहीं मिलती, ना उनके अंदर कोई ऐसी भावना जागृत होती है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार किसी सभा को करती है तो प्रदेश की पुलिस उनकी सरकार की जो कार्यकर्ता बन जाती है, वो जा करके मुस्लिम महिला कार्यकर्ता जो BJP की कार्यकर्ता है उसके नकाब को निकलवा करके सरेआम उतरवा करके एक मुस्लिम समाज के एक विशेष वस्त्र का अपमान करती है। इसी जगह पे अगर सिख समुदाय की महिला या सिख समुदाय का समाज होगा तो अपनी स्वाभिमान पर हो रही इस चोट का अपमान का वो जरूर विरोध करेगा, और विरोध करने पे वो उस दोषी अधिकारियों को दंडित कराने का भी मांग करेगा और सरकार से भी कहेगा कि माफी मांगो। ये तरीका सही नहीं है, सभी महिलाओं का और पुरुषों का ये खास बॉक्स होता है, उसमें चेक करें। लेकिन आप इस तरह किसी
मैडम के साथ उन्हीं ने शर्त भी खिंचाई, लेकिन वहीं पर उसी पार्टी के उसी सोच के उसी नजरिए के लोग अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी की सभा में अगर वही इस तरह का कर रहे हैं, और मैं चाहूंगी आदित्यनाथ योगी जी उस अधिकारी को दंडित करें और उस महिला से जाकर के वो अधिकारी माफी मांगे, और अच्छा तभी होगा कि आदित्यनाथ योगी जी भी उस महिला से माफी मांगे। अपनी बहन जो जाकिरा है, जो जिक्र करती है हजरत इमाम चाहती हैं, नाज अफशा साहिबा से मैं गुजारिश करूंगी कि वो अपनी बात को करें, क्योंकि प्रोग्राम खत्म होने वाला है और इख्तिताम पर है। इसके बाद हाजी सगीर साहब, ये माइक खराब क्यों हो रहा है, आकर के माइक ठीक करें। खलक में इंसाना पी एस एल